यस स्टूडेंट, माई सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा ऑन माई चैनल जानकारी हित, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के बड़े इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट पर जिस पे हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में, वो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, अर्थशास्त्र से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण विषय जिस पर हम बात करने वाले हैं, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर क्या है, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स, फॉरेक्स मार्केट, ये सारी बातें बड़ी अलाइड हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मतलब क्या है इसको जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स मूव हेड विद मी रिगार्डिंग टूडेज कॉन्टेंट। यस स्टूडेंट्स, आज हम जानते हैं कि दुनिया एक बाजार बन चुकी है, सारी दुनिया एक बाजार, कोई भी देश एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता, लगातार एक दूसरे के देश के साथ व्यापार होता है। तो व्यापार कैसे होता है, उसमें मुद्रा का यूज होता है, भाई करेंसी का, जो नोट्स होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो जबकि सारे देशों की जो करेंसी अलग अलग है, तो फिर कैसे लेन देन होता है, तो उसके लिए जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है ये सबसे बड़ी कड़ी है। आज हमारा जो टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी मुद्रा विनिमय दर, मतलब समझ गए होगे, विनिमय का, एक्सचेंज का मतलब लेन देन करना। तो आओ जानने की कोशिश करते हैं ये फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज दैट रेट, अगर हम इनको एक सीमित शब्दों में बांधने की कोशिश करें, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज दैट रेट विद विच वन यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ एनी कंट्री कैन बी एक्सचेंज्ड विद नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सम अदर कंट्री। मतलब किसी देश की करेंसी या मुद्रा की एक इकाई के बदले में किसी दूसरे देश की मुद्रा की कितनी यूनिट्स को, कितनी इकाइयों को प्राप्त किया जा सकता है, उसकी वैल्यू एक यूनिट के बदले में दूसरे देश की मुद्रा के कितनी यूनिट के बराबर है, उसको हम फॉरेन एक्सचेंज या विदेशी विनिमय दर कहते हैं। समझ लगा मेरी बात। मान लो मैं कहता हूं कि आज एक्सचेंज रेट भारत और यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, मान लो आज 10/10/2020 को, मतलब यस 10th of October 2020, आज की मैं बात कर रहा हूं, आज जो भारत और यूएसए का जो रेट ऑफ एक्सचेंज है, दैट इज $1 इज इक्वल टू 73.40 रुपीज, और भारत के एक रुपए की वैल्यू 0.014 डॉलर है। तो यही तो है फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसी को विदेशी विनिमय दर कहते हैं। तो विदेशी विनिमय दर का मतलब यही हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब कि कोई एक देश की करेंसी की एक यूनिट की वैल्यू दूसरे देश की करेंसी की कितनी यूनिट के बराबर है, वो जो भी वैल्यू होगी उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं, विदेशी विनिमय दर। तो एक तरह से और समझते हैं, मान लो $1 ऑफ यूएसए इज इक्वल टू 50 रुपीज ऑफ इंडिया, इंडियन करेंसी, ये एक्सचेंज रेट है। तो अगर हमने इसी रूप में इंडिया के एक रुपए का एक्सचेंज रेट निकालना हो यूएसए के कंपैरिजन में, तो हमें एक चीज तो पता होनी चाहिए कि जो एक डॉलर है उसमें 100 सेंट्स होते हैं। इसका मतलब 50 रुपीज इज इक्वल टू 100 सेंट्स, 50 रुपीज ऑफ इंडियन करेंसी इज इक्वल टू 100 सेंट्स ऑफ यूएसए, 1 रुपीज ऑफ इंडियन करेंसी इज इक्वल टू 100/50, 2 सेंट्स। दिस मीन्स 1 रुपीज ऑफ इंडियन करेंसी इज इक्वल टू 2 सेंट्स ऑफ यूएसए, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। समझ गए होगे आप इस बात को। तो आगे हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की टाइप्स की, ये कितनी टाइप के होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जो आज तक हम जो फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर के जो इसको निश्चित करने के ढंग हम देखते आ रहे हैं, वो 3 ही प्रचलित हैं, जिसमें से अलग अलग की बात करूं तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहां पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा जो है, और फर्स्ट वाला आप देख रहे हो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम, एंड थर्ड वन इज मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तीनों को हम आज समझने की कोशिश करते हैं आज की वीडियो के नेक्स्ट हिस्से में। आओ देखें, जब हम टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम की बात करते हैं, तो पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम, इसके नाम से पता चल रहा है स्थाई विनिमय दर। स्थाई विनिमय दर क्या है भाई, स्थाई विनिमय दर का मतलब क्या होता है इसको मैं समझाता हूं। जब दो देशों के बीच में करेंसी का एक्सचेंज रेट
देश की सरकारों द्वारा आपस में निश्चित कर दिया जाए, वो फिक्स रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज करेंगे तो कुछ कंडीशंस हैं, अदरवाइज वो फिक्स फॉर्म में रहने वाला है। दो देशों की सरकारें जब आपस में मिलकर इकोनॉमीज के स्टैंडर्ड को देखते हुए, जो भी उनकी इकोनॉमी के पैरामीटर्स होंगे उनको लेकर, जब वो दोनों देशों की करेंसी के बीच में एक्सचेंज रेट फिक्स कर दें, तो उसको हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं। भाई जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, इसमें वैल्यूएशन का एक ढंग निकाला जाता है कि दोनों में एक सेंटर पॉइंट जो रखा जाता है वो गोल्ड को रखा जाता है, सोने को। मतलब ये देखा जाता है कि दोनों देश के एक पर्टिकुलर टाइम पर दोनों देश की करेंसी में गोल्ड की एक निश्चित मात्रा खरीदने के लिए कितनी करेंसी पर खर्च करनी पड़ेगी, उस पर, उस गोल्ड की एक निश्चित मात्रा को परचेज करने के लिए। तो ये है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के दो मेथड हैं जो आज तक देखने को मिले। एक है गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट। गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट ये 1880 से लेकर लगभग 1941 तक काफी प्रचलित रहा। इस सिस्टम को मिंट पार वैल्यू सिस्टम के नाम जाना जाता है। पार मींस होता है समान, किसके समान? गोल्ड के समान। दोनों देशों की करेंसी को उसकी वैल्यूएशन करके देखी जाती है कि उसमें कितनी कैपेसिटी है कि गोल्ड की सेम मात्रा दोनों देशों की करेंसी बाय कर सके। मान लो एक इतना गोल्ड, 1 मिलीग्राम गोल्ड या उससे कम या ज्यादा, मान लो उतना गोल्ड $1 के साथ परचेज कर सकते हैं, और सेम गोल्ड को परचेज करने के लिए इंडियन करेंसी के 50 रुपीज लगे, तो एक्सचेंज रेट क्या हुआ? क्योंकि दोनों को जो बेस बना वो था वो गोल्ड, तो दोनों का एक्सचेंज रेट क्या हुआ? $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज। ये है स्टैंडर्ड गोल्ड सिस्टम, जिसको मिंट पार वैल्यू सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ये ज्यादातर उन देशों में प्रचलित रहा जहां फुल बॉडीड मनी प्रचलित थी। फुल बॉडीड मनी क्या होती है? उस किसी भी करेंसी का जो भी वो क्वाइन है उसका जो फेस वैल्यू है, जो उस पर लिखा हुआ कीमत है, उसको बनाने में लगी हुई मेटल की कीमत भी जब सेम हो तो उसको फुल बॉडीड मनी कहते हैं। तो उस स्थिति में ये जो फुल बॉडीड मनी के केस में स्टैंडर्ड गोल्ड सिस्टम सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहा, और दुनिया में बहुत से देशों में ये प्रचलित भी रहा। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का जो सेकेंड मेथड है रेट फिक्स करने के लिए, वो है ब्रेटन वुड सिस्टम और एडजस्टेबल पेग सिस्टम। क्योंकि स्टैंडर्ड गोल्ड सिस्टम में बहुत से देशों में करेंसी के रेट एक्सचेंज को रेट मतलब एक्सचेंज रेट को फिक्स करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, देशों में बहुत से झगड़े खड़े हुए उन सभी को, क्योंकि देशों को ऐसे लगता कि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो चुकी है तो थोड़ा इसमें चेंज आना चाहिए। तो ब्रेटन वुड एक समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ, जिसके अकॉर्डिंगली जिन देशों ने भी उस एग्रीमेंट पर साइन किए उन देशों में ब्रेटन वुड सिस्टम और एडजस्टेबल पेग सिस्टम प्रचलित हुआ। यह क्या था? इसमें क्या था कि सिस्टम तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था कि किसी एक देश की करेंसी को या तो बेस माना जाए या एक मेटल जैसे गोल्ड था उसको सेंटर बेस माना जाए, उसके आधार पर दो देशों की करेंसी का एक्सचेंज रेट फाइनल हो जाता था। बट ब्रेटन वुड सिस्टम में एक चीज थी जो सबसे नई थी स्टैंडर्ड गोल्ड सिस्टम की तुलना में, कि इसमें दोनों देशों की अगर सहमति हो तो देश की करेंसी की वैल्यूएशन में चेंज पॉसिबल था, पर वो चेंज मार्जिनल था, सिर्फ 1% तक चेंज कर सकते थे, बट वो भी अपनी मर्जी से नहीं, विद द परमिशन ऑफ IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की परमिशन के साथ अब करेंसी की वैल्यूएशन में 1% तक चेंज कर सकते थे। ये था ब्रेटन वुड सिस्टम। तो ये हमने जो डिस्कस किया ये है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम। फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम में अगर हम देखें तो इसके कुछ फायदे हमें दिख रहे हैं और कुछ नुकसान भी होंगे। तो अब हम बात करते हैं एडवांटेज
और मेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। वो क्या था, सबसे पहले जो सिस्टम की जो एडवांटेज है, स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, क्योंकि फिक्स होता था एक्सचेंज रेट, लंबे समय तक फिक्स रहने वाला था, स्टेबल रहता था। जो स्थिरता है वो हमेशा सबको पसंद है, तो ये इसका एक एडवांटेज माना गया इकोनॉमिक फ्रंट पर बहुत से कंट्रीज के लिए। इसके अलावा प्रमोशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज सिस्टम के कारण बहुत से देशों में जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो बढ़ा, क्योंकि देशों में आपसी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, उन दोनों के बीच में करेंसी का रेट लंबे समय तक सेम रहता तो इंटरनेशनल ट्रेड को बड़ा बूस्ट मिला। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ इंटर डिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, बहुत से देश इंटरनेशनल ट्रेड पर ही डिपेंड करते थे इकोनॉमिकली, क्योंकि जब फिक्स एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम प्रचलित हुआ जिन देशों में भी, तो वो देश इकोनॉमिकली अपने आप को इंटरनेशनल ट्रेड पर डिपेंडेंट बनाने में उनको पॉजिटिव साइन महसूस हुए, क्योंकि लंबे टाइम तक वही टर्म्स एंड कंडीशन रहने वाली थी। नेक्स्ट एब्सेंस ऑफ स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन होता है जस्ट लॉटरी सिस्टम, सट्टा लगाना, सट्टाबाजी कहते हैं इसको, मतलब आने वाले टाइम में कितना रेट होगा इस आधार पर बिजनेस का फ्लो चलना। तो जो फिक्स एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम था उसमें स्पेकुलेटिव सिस्टम की सारी जो कमियां होती थी वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती थी, ये इसकी एडवांटेज थी। एब्सेंस ऑफ स्पेकुलेशन इज वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ फिक्स एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा जो हम कह सकते हैं यूजफुल फॉर ट्रेड डिपेंडेंट कंट्रीज, जिन देशों में ट्रेडिंग एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा थी, चाहे वो शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, करेंसी के एक्सचेंज से रिलेटेड हो, तो उन देशों के लिए जो फिक्स एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम था बड़ा फायदेमंद था, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता था और साथ में कॉन्फिडेंस इन द पीपल फॉर एक्सचेंज रेट, लोगों में एक लंबे समय तक ये भरोसा रहना कि करेंसी का एक्सचेंज रेट ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगी, ज़्यादा उसमें ट्रेड साइकिल्स नहीं आने वाले, अप डाउन नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी अप डाउन होती है तो लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ती हैं भाई, तो उसको शांत करता था ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो इसके कुछ नुकसान भी होंगे, नुकसान कौन से हैं उनकी बात करें। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में सबसे ज़्यादा कमी पाई जाती थी वो क्या थी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मान लो इकोनॉमिक हालात चेंज हुए किसी देश के, तो फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज सिस्टम में हम जो रेट था उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कोई गुंजाइश नहीं थी, था अभी तो 1% मार्जिन के साथ, वो भी ब्रेटन वुड जो जिन्होंने समझौते पर साइन किए थे सिर्फ उन कंट्रीज के बीच में। तो फ्लेक्सिबिलिटी की कमी का होना इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए बहुत नुकसानदायक होता है हमेशा। इकोनॉमी ऑलवेज नीड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर प्रॉपर ग्रोथ। नेक्स्ट वन वी कैन से द नीड फॉर ह्यूज रिजर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम में सेम रेट बनाने के लिए देशों को फॉरेन करेंसी का बहुत सा ढेर ब्लॉक करके रखना पड़ता था, ताकि उसकी सप्लाई को प्रॉपर मैनेज कर सकें, ताकि उतना रेट मैनेज किया जा सके, इंटरनेशनल मार्केट में उनको अपना रिजर्व बना के रखना पड़ता था बिजनेस बैलेंसेस को मेंटेन करने के लिए। तो इससे ये भी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है कि अगर करेंसी का बहुत बड़ा हिस्सा ब्लॉक हो जाए स्टॉक के रूप में। इसके अलावा गवर्नमेंट इंटरवेंशन, दैट इज मेजर ए प्रॉब्लम इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, क्योंकि सरकारें तय करती थी इस बात को कि रेट क्या होगा, तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन डायरेक्ट थी फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम तय करने में। इसके अलावा ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड साइकिल, अगर एक देश में इकोनॉमी की हालत बुरी होती तो दूसरे की भी हो जाती थी, क्योंकि वो भी नहीं चेंज कर पाता था एक्सचेंज रेट को। तो ये ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड साइकिल एट वेरी क्विक रेट, ट्रेड साइकिल अगर व्यापारिक अप डाउन हो रहा है तो उसका असर दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा पड़ता था, अगर स्पेसिफिकली अगर नेगेटिव इंपैक्ट है तो। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विड मतलब कैश, नकद, करेंसी नोट, यस, अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम है, बहुत बड़ा स्टॉक रिजर्व के रूप में रखा गया, तो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता था, कैश की कमी, फॉरेन करेंसी है जो उसकी कमी, ये इकोनॉमी को बूस्ट अप देने के लिए जो बहुत जरूरी होती है, अगर उसी की कमी है, दैट इज बिग सेटबैक और वी कैन से द ड्रॉबैक ऑफ फिक्स एक्सचेंज सिस्टम, नीड फॉर कंट्रोल, क्योंकि इसमें कंट्रोल की जरूरत थी। अगर हम इकोनॉमी को कंट्रोल रखेंगे, इकोनॉमी सही ढंग से बूम तभी होती है जब वो एक फ्लेक्सिबल ओपन इकोनॉमी हो। ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी की बूम होने का कारण उसका ओपन अप होना है, अगर फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज है वो एक कंट्रोल्ड सिस्टम के अंडर था तो वो अपने आप में बहुत बड़ी कमी है फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें बहुत सी कमियां और बहुत सी एडवांटेज देखने को मिली,
तो आगे बात करते हैं जो सेकंड फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम जो हमारे सामने हमें देखने को मिला वो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल मींस लचकदार विनिमय दर, यस इसका नाम ही बता रहा है। ये वो एक्सचेंज रेट सिस्टम है विच इज डिपेंडेंट अपॉन टोटली ऑन द मार्केट फोर्सेस, बाजार की ताकतें, डिमांड और सप्लाई। जैसे वस्तुओं का प्राइस निश्चित होता है ना, ऐसे ही एक्सचेंज रेट भी उस करेंसी की, किसी भी देश की करेंसी की डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के द्वारा खुद ही अपने आप ही बैलेंस्ड होता, अपने आप ही निश्चित होता। ये उसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। और मार्केट में डिमांड और सप्लाई में हमें पता है इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के होने के कारण कि लगातार चेंज होती रहती है, कभी डिमांड कभी सप्लाई, अप डाउन, तो एक्सचेंज रेट भी चेंज, इसी कारण इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा है, तो इसको हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं। इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। तो आप देख रहे होंगे यहां पर मैंने लिखा हुआ है जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, इट डिपेंड्स अपॉन, इट इज द फंक्शन ऑफ D&S। डी एंड एस क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। किसकी डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति किसकी, मुद्रा की, फॉरेन करेंसी की। यस, अगर करेंसी की डिमांड ज्यादा तो रेट ज्यादा, डिमांड कम तो रेट कम, सप्लाई ज्यादा तो रेट कम, सप्लाई कम तो रेट ज्यादा। ये है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अगर आप इसको और समझने की कोशिश करें, डिटर्मिनेशन ऑफ, अगर हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करें, जैसे फिक्स में क्या था, सरकारें तय करती थी, अब इसमें क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। इस डायग्राम में देखिए आप, एक डिमांड कर्व है जो डाउनवर्ड नेगेटिव स्लोप में है, और साथ में ओवाई एक्सिस पर आप देख रहे होंगे रेट ऑफ एक्सचेंज है फॉरेन करेंसी का, जो विनिमय दर है वो दी गई है, और एसएस सप्लाई कर्व है करेंसी की, तो दोनों ई पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। जो ई बिंदु है दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इसके सामने आप देख रहे हो जो रेट एक्सचेंज रेट है वो आर है। तो डिमांड और सप्लाई करेंसी की थी, उन्होंने एक्सचेंज रेट आर फिक्स कर दिया। मान लो किसी के कारण डिमांड एंड सप्लाई या मार्केट की जो दूसरी इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं उनके कारण रेट R1 हुआ, तो आप देख क्या रहे हो कि जब R1 रेट है तो डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है। उस हालत में क्या होगा, जब सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो नेचुरली रेट कम हो जाएगा। मान लो मार्केट फोर्सेस के कारण रेट R की जगह R2 आ गया, डाउन आ गया, तो उस पोजिशन में देखो आप, उस पोजिशन में क्या है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है। जब भी मार्केट में डिमांड ज्यादा है करेंसी की, सप्लाई कम है, तो रेट फिर बढ़ जाएगा। इस ढंग से जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, करेंसी का रेट तय हो जाता है किसी दूसरे देश की करेंसी के कंपैरिजन में, दैट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब इसके एडवांटेज एंड डीमेरिट्स और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। स्टूडेंट, जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, इसकी एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले सिंपल मैकेनिज्म, इसको फिक्स करना गवर्नमेंट्स के लिए वो प्रॉब्लम नहीं है जो फिक्स्ड में थी। इसमें क्या है, मार्केट फोर्सेस सिंपली डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर अपने आप एक्सचेंज रेट निश्चित हो जाता है और सारा दिन इसमें चेंज आता रहता है। तो इसमें ये सिंपल मैकेनिज्म है, इसको डिटरमिन करना बड़ा आसान है विद द हेल्प ऑफ मार्केट पैरामीटर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट वन इज नो नीड फॉर ह्यूज रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी की हमें बड़ा ढेर बनाकर रखने की जरूरत नहीं है भाई, जितनी डिमांड और सप्लाई होगी उसके अकॉर्डिंगली एक्सचेंज रेट फिक्स हो जाएगा, तो उसमें रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है ताकि डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं, मार्केट की फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई जो करेंसी की हैं वो उनको फिक्स कर देती हैं। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की अगर हम एडवांटेज की बात करें, तो इसके अलावा एक एडवांटेज है इंक्रीज इन इंटरनेशनल लिक्विडिटी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो करेंसी है उसकी लिक्विडिटी लेवल बहुत बढ़ जाता है, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बूम होती हैं, व्यापार बढ़ता है, करेंसी का लेन देन ज्यादा हो जाता है। ओपन मार्केट में जब लिक्विड कैश ज्यादा है तो इंटरनेशनल ट्रेड बूम होगा, ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, रिजिडनेस नहीं है फिक्स सिस्टम की तरह, तो इजिली सारा दिन अप डाउन किसी की बिना इंटरवेंशन के कारण जो एक्चुअल मार्केट कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंगली फ्लेक्सिबल रेट देखने को मिलता है। यस, नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें, इकोनॉमिकल ये सिस्टम सस्ता भी है, भी इकोनॉमिकल है, कफायती पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई बड़ा भंडार रखने की जरूरत नहीं है, तो इसको मैनेज करने में ज्यादा कॉस्ट नहीं आने वाली। दीज आर द बेसिक एडवांटेज ऑफ
फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, पर इसमें कुछ कमियां भी हैं। क्या कमियां? सबसे पहले अनस्टेबल एक्सचेंज रेट, हमेशा अनस्टेबिलिटी की तलवार लटकी रहती है। एक्सचेंज रेट क्या होगा, सुबह क्या है, दोपहर को क्या है, रात को क्या होगा, उसमें लगातार फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। इससे इंटरनेशनल लेवल पर जो अनस्टेबिलिटी है एक्सचेंज रेट की, वो हमेशा बनी रहती है। दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इंस्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल ट्रेड, जब एक्सचेंज रेट अनस्टेबल है तो इंटरनेशनल ट्रेड में स्टेबिलिटी कहां से आएगी? वहां भी तो इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता देखने को मिलती है, क्योंकि व्यापारी हैं जो कैपिटलिस्ट हैं, उनके मन में हमेशा डर बना रहता है और मार्केट में हमेशा इनस्टेबिलिटी की जो पोजीशन है वो बनी रहती है। अप डाउन होते रहते हैं, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, यस, हमेशा ही अनिश्चितता और जो रिस्क है वो हमेशा जोखिम बना रहता है व्यापारियों के लिए, जो कैपिटलिस्ट हैं जिन्होंने इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि एक्सचेंज रेट लगातार चेंज हो रहा है। दे आर नॉट श्योर व्हाट टू इन्वेस्ट एंड हाउ मच टू इन्वेस्ट एंड फॉर हाउ लॉन्ग टू इन्वेस्ट, कितना पैसा लगाया जाए, कितने टाइम के लिए, क्योंकि एक्सचेंज रेट लगातार चेंज हो रहे हैं, तो ये बड़ा रिस्की रहता है। इसके अलावा स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। स्पेकुलिज्म इज देयर इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। भाई, इस पर ही सट्टा लग जाता है कि आने वाले टाइम में डॉलर के इतने दोगे, इतने लोगे, 6 महीने बाद डॉलर के मैं आपको 65 देता हूं, ये सट्टा आप पता नहीं 65 होंगे या 80 होंगे, इट डिपेंड्स। इस टाइप की जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज ट्रेड और करेंसी के केस में जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, ये देखने को मिलती है, ये बहुत बड़ी कमी है इसमें। इसके अलावा इम्प्रैक्टिकल, ये इम्प्रैक्टिकल रूप है भाई, व्यवहारिक रूप से इसको लागू करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर पल रेट चेंज होना, इंटरनेशनल लेवल पर उस पर नजर रखना, व्यवहारिक रूप से बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा इसकी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, हिंड्रेंस इन द वे ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कोई भी जो इन्वेस्टर है वो लंबे समय तक इन्वेस्ट करने से डरते हैं। कारण क्या है? बहुत चेंजेस आते हैं, बहुत सारी फ्लक्चुएशन हैं, ट्रेड साइकिल्स हैं, जिस कारण जो लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट, एक्सचेंज रेट में बार बार चेंजेस होने के कारण जो इन्फ्लेशन है, मुद्रा स्फीति की पोजीशन बनी रहती है, महंगाई बढ़ती है, ऐसी पोजीशन नॉर्मली देखने को मिलती है। स्पेसिफिकली डेवलपिंग कंट्रीज में ये ज्यादा हालत है। तो स्टूडेंट्स, ये थे इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम बेसिकली आपको बताऊं काफी प्रैक्टिकल है, दुनिया के मैक्सिमम देशों में इसको एक्सेप्ट भी किया है, बट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये बहुत बुरा प्रूव होता है। बहुत बार सारे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हमेशा डरे रहते हैं कि किस रेट में, कभी इंपोर्टर डर जाते हैं, कभी एक्सपोर्टर किसी देश के, एक देश के व्यापारी को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, और बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है सिर्फ फ्लक्चुएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट के कारण। तो तीसरे सिस्टम की बात करते हैं अभी, वो कौन सा है जिसकी हम बात करें? तीसरा है मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम। मैनेज्ड फ्लोटिंग, मैनेज्ड भी और फ्लोटिंग भी, परिवर्तनशील भी और प्रबंधित भी, कंट्रोल्ड भी और परिवर्तनशील भी, यस, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये फिक्स्ड और जो फ्लेक्सिबल है ना, उनका बीच का रूप है। ये है तो एक तरह से ऑलमोस्ट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ही, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज की प्रॉब्लम को देखते हुए बहुत से देशों में, दुनिया में जो सबसे ज्यादा प्रचलित सिस्टम इस टाइम बना आ रहा है वो है मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का है लेकिन कुछ ना कुछ फिक्स्ड है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है। गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल बैंक होता है वो इंटरवेन करता है, अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना नहीं, जितने इकोनॉमिक पैरामीटर्स उसको अलाउ करते हैं उतनी उसकी दखल अंदाजी होती है। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम में बहुत ज्यादा अप डाउन आ रहा है तो उस हालत में, अदरवाइज तो फ्लेक्सिबल सिस्टम की तरह डिमांड एंड सप्लाई की जो फोर्सेस हैं, मार्केट फोर्सेस, वो अपना काम करती हैं। लेकिन सेंट्रल बैंक या देश की गवर्नमेंट इसमें इंटरवेन करती है फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम में, उनको जब लगता है कि उनकी करेंसी, किसी करेंसी का रेट बहुत कम हो रहा है, तो उसको बाय कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। इस सिस्टम में क्या होता है कि मान लो डिमांड और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज रेट को फिक्स कर रहे हैं, मार्केट में करेंसी की हालत बुरी है, उसका रेट बहुत कम हो चुका है, तो सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट की एजेंसी उसमें एक रोल अदा करती हैं कि जब रेट बहुत कम है तो करेंसी को खुद परचेज कर लेती हैं। करेंसी को परचेज करने से मार्केट में लिक्विड कम हो जाता है, जब करेंसी कम होगी, सप्लाई कम हो गई है, तो रेट बढ़ जाएगा, और जब रेट और ज्यादा बढ़ जाता है तो जो स्टॉक है उसको वो क्या करती हैं, बेच देती हैं।
रेट ज्यादा बढ़ा वो भी खतरनाक होता है। जब वो स्टॉक बेचते हैं तो मार्केट में लिक्विड फिर बढ़ जाता है, जब लिक्विड मतलब करेंसी बढ़ी तो रेट फिर कम आ जाता है। इस ढंग से वहां पर जो सेंट्रल बैंक या दूसरी फोर्सेज, जो इकोनॉमिक फोर्सेज गवर्नमेंट की होती हैं, वो गवर्नमेंट एजेंसीज वो रोल अदा करती हैं। लेकिन ज्यादा जो इसमें हिस्सा होता है वही फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की तरह डिमांड एंड सप्लाई प्लेज इट्स रोल। आज का जो सबसे व्यवहारिक जो रूप हमें देखने को मिल रहा है जो डेवलपिंग कंट्रीज में, स्पेशली बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज जो जिस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैनेजेरियल फ्लोटिंग सिस्टम, मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम, इस सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे डिफरेंट टाइप के एक्सचेंज रेट सिस्टम। पहले हमने बात की फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है, विदेशी मुद्रा विनिमय दर है क्या है, एक देश की तुलना में दूसरे देश की मुद्रा का जो रेट है पर एक यूनिट के मुकाबले, ये ध्यान रखना। और इसके अलावा फिर बात की टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, तीन तरह की बात की, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज एंड देन लास्ट में हमने की मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो दीज आर द थ्री डिफरेंट सिस्टम। आई थिंक द होल कॉन्सेप्ट इज क्लियर। जो हिस्सा क्लियर नहीं है वीडियो के, उस हिस्से में जाए आराम से देखें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट दें, अगर कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं आप वहां पर अपना इश्यूज लिखें, आई विल ट्राई टू आंसर यू वन देयर। तो मेरे इस चैनल पर जानकारी चैनल पर बहुत सी वीडियो ऑलरेडी कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, फंडामेंटल, ई बिजनेस, ई विजन, ए बिजनेस एंड मोटिवेशनल वीडियोज बहुत सी हैं, आप उनको भी देखें, बहुत सी नई आती रहेंगी। तो सब कुछ देखते रहिए जानकारी ही चैनल पर। माई सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा विल बी हियर विद यू अगेन वेरी सून। थैंक यू वेरी मच।